नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए नवंबर 4 का खास पार्ट। नवंबर के पहले शनिवार को यूज योर कॉमन सेंस डे मनाया जाता है। यूज योर कॉमन सेंस डे की स्थापना बर्ड बिलानिश द्वारा की गई थी, जो एक करियर मेंटर, प्रेरक वक्ता, ब्लॉगर और एक लेखक थे और द कॉमन सेंस गाइड के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं, जो इस बात पर जोर देती हैं कि अपने जीवन में कैसे सफल हो और उस सफलता के लिए सामान्य ज्ञान का प्रयोग कैसे अत्यंत आवश्यक है। यह तिथि विल रॉजर्स के जन्मदिन को भी चिन्हित करती है। वह व्यक्ति जिसने टिप्पणी की थी, सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं है। एक और अवधारणा के अनुसार इसे सबसे पहले महान दार्शनिक अरस्तु द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उन्होंने इसे उस क्षमता के रूप में वर्णित किया जिसके साथ मनुष्यों सहित जानवर भी कई प्रकार के निर्णयों तक पहुंचने के लिए इंद्रिय धारणाओं, यादों और कल्पना को संसाधित करते हैं। इसके बाद इसे रोमन व्याख्या में आगे बढ़ाया गया, जिसमें माना गया कि विचारों और धारणाओं जैसी अवधारणाएं मनुष्य द्वारा धारण की जाती हैं और जो मनुष्यों को जानवरों की तुलना में अधिक परिष्कृत बनाती हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक रेने ने सबसे आम आधुनिक अर्थ और इसके विवादों को स्थापित किया, जब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास समान और पर्याप्त मात्रा में सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। आधुनिक समय में सामान्य ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान या निर्णय के बुनियादी स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी हम सभी को उचित और सुरक्षित रूप से जीने में मदद करने के लिए आवश्यकता होती है। बिना किसी संदेह के सामान्य ज्ञान का प्रयोग करने से बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। सामान्य ज्ञान का तात्पर्य व्यवहारिक निर्णय, ठोस तर्क और किसी की अपनी समझ और अनुभव के आधार पर तार्किक और तर्कसंगत विकल्प बनाने की क्षमता है। इसका उपयोग अक्सर दैनिक स्थितियों से निपटने और सुचित और सीधे निर्णय लेने के लिए किया जाता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, 4 नवंबर 1954 को दार्जिलिंग के हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी और 4 नवंबर 2008 को बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने थे।